नमस्कार मित्रों, रम्या रामायणी कथा में संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत कर रहा हूँ। बड़ा ही सुंदर कथा प्रसंग चल रहा है। प्रभु राम की सेना ने लंका पे आक्रमण करने के लिए प्रस्थान कर दिया है। सेनापति नील को ये जवाबदारी सौंपी गई है कि सेना को ऐसे मार्ग से लेके चलना है कि वो जल्दी से जल्दी समुद्र के किनारे पहुँचे, और साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि किसी भी प्रजा को, किसी भी नगरजन को, किसी भी ग्राम्यजन को किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रभु राम ने संपूर्ण सेना की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से कि पीछे से कौन उसकी रक्षा करेगा, दाहिने से कौन उसकी रक्षा करेगा, बाएं भाग से कौन उसकी रक्षा करेगा, और नील से ये भी कहा गया है कि जब आप प्रस्थान करेंगे, जब आप इस पूरे सेना के मार्गदर्शक बनेंगे, तो ये आपकी जवाबदारी है कि सेना को पूर्णतः आहार और जो विश्राम है उसका पूरा इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि अगर थका हारा योद्धा होगा तो उसका मन टूट जाएगा और वो युद्ध में उतने अच्छे ढंग से भाग नहीं ले सकता है। सारे आयोजन राम ने सैन्य के संदर्भ के कर दिए हैं। ऐसे में जब सेना प्रस्थान करती है तो महर्षि वाल्मीकि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, भक्ष्यंता सुगंधिनी मधुनिचा फलानिचा उद्वहंतो महावृक्षान मंजरी पुंज धारिणा। रास्ते में वृक्ष मिल जाता तो उसको उखाड़ लेते हैं, उसको तोड़ लेते हैं, उसकी डालें तोड़ लेते हैं, खाते पीते चले जा रहे हैं। सुगंधिनी मधुनिचा फलानिचा, बड़े ही सुगंधि से युक्त मधुर फल खाते जा रहे हैं। इस प्रकार से उन वानरों ने प्रस्थान किया। अन्योन्यम सहसा द्रुप्ता निर्वहंती क्षिपंती जा पततस चोत्पतंत्यन्ये पात्यंत्य अपरे परान। अब ये जो वर्णन है ना, बड़ा ही सुंदर है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि एक दूसरे को कभी कभी धक्का मार देते हैं, मस्ती करते हुए जा रहे हैं। भाई मार्ग में अगर आप अपनी मस्ती में रहेंगे तो मार्ग बड़ी जल्दी पार हो जाएगा, और नहीं तो मार्ग में ही आप इतने थक जाएंगे। तो सबकी मस्तियां चल रही हैं, क्षिपंती निर्वहंती, कभी कोई किसी को उठा लेता है, कभी कोई किसी को धक्का मार के गिरा देता है, ये सब कुछ चल रहा है। इसके साथ सारे वानर चले जा रहे हैं। पततस उत्पतंत्यन्य, कुछ तो नीचे कूद जाते हैं, कुछ ऊपर उछल जाते हैं, क्योंकि सारा मार्ग तो सीधा सीधा नहीं है, सारी मस्तियां चल रही हैं। लेकिन पात्यंत अपरिपरा, अगर कोई शत्रु दिखाई दे जाए, कोई राक्षस दिखाई दे जाए, तो समझ लीजिए उसका तो कल्याण हो गया। इस प्रकार से सेना प्रस्थान करती है। इस पूरे वर्णन को सुनकर के मुझे मेरा बाल्यकाल याद आ गया। मैं नैमिषारण्य में पढ़ता था, बड़ी सुंदर जगह है, पुराणों से लेकर के सर्वत्र इसका उल्लेख पाया जाता है। तीर्थ राजप्रयाग जैसे कहे जाते हैं, ऐसे सबसे पवित्र तीर्थ अगर किसी को माना जाए तो आप उसको नैमिषारण्य मान सकते हैं। इसके संदर्भ की कथा कुछ इस प्रकार से पाई जाती है कि जब कलयुग का आगमन हुआ तो सभी ऋषि मुनि बड़े परेशान हो गए, क्योंकि कलयुग उनको बड़ा परेशान करता था। ऐसे में वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से ये कहा कि प्रभु, इस कलयुग में कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ हम तपस्या कर सकें, जहाँ हम शांति से हमारा जो कुछ क्रियाकलाप है, यज्ञ आदि हैं, जो भी हमारे धर्म कर्म हैं, उनका हम योग्य रूप से पालन कर सकें, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पे इस कलयुग का अब जो प्रताप है उसकी वजह से हम लोग शांति नहीं अनुभव करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने एक निमी बोलते हैं, पहिए के ऊपर, लकड़ी के पहिए के ऊपर जो लोहे की एक रिंग चढ़ी होती है उसको निमी कहा जाता है, उसको चला दिया और कह दिया ये निमी जहाँ जाकर के गिर जाएगी वो स्थान इतना पवित्र रहेगा कि वहाँ कभी कलयुग का प्रताप नहीं व्याप्त होगा। अब सारे ऋषि मुनि उस निमी के पीछे पीछे चल दिए और वो निमी जाकर के जिस अरण्य में, जिस जंगल में जाकर के वो गिर जाती है। भाई कोई पहिया अगर आप चला देंगे तो कहाँ तक चलता जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाकर के वो गिर जाएगा ना, क्योंकि उसकी गति कम हो जाएगी तो वो गिर जाएगा। तो जिस अरण्य में जाकर के गिरी है उस अरण्य का नाम नैमिषारण्य पड़ा है। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही पावन स्थल है, पुराणों में सब जगह इसका उल्लेख पाया जाता है। सत्यनारायण की कथा का प्रारंभ ही यहाँ से होता है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः पप्रच्छन् मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु।
तो ऐसे इस पवित्र स्थल पे नारदानंद जी का आश्रम, और उस आश्रम में एक अध्यात्म विद्यापीठ ब्रह्मचर्य आश्रम, जहाँ का मैं ब्रह्मचारी था, जहाँ मैं पढ़ता था। उस समय हम गीत गाया करते थे, नैमिष ब्रह्मचर्य आश्रम के हम हैं विदित ब्रह्मचारी, सीख रहे श्रुति साधुनीति हम विश्व शांति के व्रतधारी। इन्हीं उत्तम विचारों के साथ नारदानंद जी के उस ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। मैं भी वहाँ पढ़ता था, लेकिन विद्यार्थी तो विद्यार्थी होते हैं। कहते हैं बर्रे बालक एक स्वभाव, बंदरों का और बच्चों का तो एक ही स्वभाव होता है। अब जब हमें कहीं बाहर जाना होता था, कई बार दो दो तीन तीन किलोमीटर चलना होता था, तो सभी बच्चों को एक लाइन में चलाया जाता था। दो लाइन बना दी जाती थी और दोनों लाइन में चलना होता था। अब ऐसे में जो कुछ शैतानी करने वाले बच्चे हुआ करते थे, तो रास्ते में चलते चलते, क्योंकि वहाँ ड्रेस कोड में कोई आज की तरह पैंट शर्ट टाई वगैरह तो थे नहीं, एक अचला पहना जाता था। बाबा लोग जैसे पहनते हैं ना, ब्रह्मचारी लोग जैसे पहनते हैं, वो अचला पहना जाता था, और वो अचला पहन करके वहाँ रहते थे। ऐसे में ना तो बूट होते थे, ना और सारी सुविधाएँ। जब चलते थे तो आगे वाले की चप्पल के ऊपर जानबूझ के पैर रखना, उसके अचले को खींचना। हम बड़ी गोखरी, बहुत बड़ी चोटी रहा करती थी जिसमें गांठ लगी होती थी, उस गांठ को धीरे से खोल देना, इस तरीके से आगे वाले को परेशान करते करते चलना, और जैसे हम आगे वाले को कर रहे हैं, पीछे वाला हमें कर रहा है, ये सब कुछ चलता रहता था। यहाँ पे भी जो वानर चल रहे हैं, और इसी की वजह से क्या होता था कि कभी कोई शिकायत कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, कई बार तो इस प्रकार से भी, जैसे कि पीछे से हमें धक्का लग गया, इस प्रकार से जानबूझ के या ठोकर लग गई जानबूझ के, आगे वाले को धक्का मार देना, उसके ऊपर गिरने जैसा अभिनय करना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सभी स्कूल के बच्चे अगर लाइन में चलना हो, लेकिन आजकल क्या है कि स्कूल से बहुत बाहर, बहुत लंबी किसी जगह पे ऐसे लाइन में चलने का मौका ही नहीं बच्चों को दिया जाता, और दिया भी जाए तो बूट सूट और ये वो सब इस प्रकार का है कि जो उस ब्रह्मचर्य आश्रम में हमने आनंद किए, वो आनंद तो शायद ही प्राप्त हो सकता है। और उसमें भी अगर कभी जो हमारे साथ के आचार्य गुरुवर हुआ करते थे, उन्होंने थोड़ी सी ढील दे दी और सब बच्चे अगर इकट्ठे चलने लग गए, कभी किसी वन प्रदेश में जाते थे, वृक्षों का परिचय करवाया जाता था कि ये देखिए अर्जुन का वृक्ष है, ये शालमली वृक्ष है, ये वृक्ष है, क्योंकि वहाँ पूरा जंगल ही था, वहाँ कुछ साफ सफाई के लिए भी जाया करते थे। तो ऐसी स्थिति में जब सभी विद्यार्थी इकट्ठे होते थे, तब तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ जो वानर सेना का वर्णन किया है, बिल्कुल ऐसी स्थिति हमारी हुआ करती थी। बड़े ही सुंदर ढंग से पूरी वानर सेना ने प्रस्थान किया है, रामचंद्र जी की सेना चलती चली जा रही है, ना किसी को थकान है, सभी अत्यंत उत्साह में है। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, रावणो नो निहंतव्या सर्वे च रजनी चरा इति गर्जन्ति हरयो राघवस्य समीपता। जो भी राम के पास पहुंचने का, चलते चलते बीच बीच में आगे जहां प्रभु राम चल रहे हैं उनके सानिध्य में पहुंचने की तो सभी को इच्छा रहती होगी, तो दूर से जो अंदर की तरफ सेना के बीच के भाग में आते चले जाते हैं, और जैसे ही राम के पास पहुंचते हैं या राम के नज़दीक, राम को जब आवाज़ सुनाई दी, इस प्रकार की स्थिति में जब होते हैं, रावणो नो निहंतव्या, हम सब रावण को जरूर ही मार डालेंगे, सर्वे च रजनी चरा, इस पृथ्वी पे एक भी राक्षस को नहीं रहने देंगे, इति गर्जन्ति हरयो, सारे वानर इस प्रकार से गर्जना करते हुए राघवस्य समीपता, राघव प्रभु राम के साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। समय बहुत बलवान होता है, समय की बलवत्ता जो है ना, वो किसी से रोकी नहीं जा सकती है। स्वयं महाकवि भास लिखते हैं, चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, ये भाग्य का चक्र जो है ना, जैसे चक्र घूमता है, इस प्रकार से हमेशा घूमता रहता है। जो सोने की लंका, जिस लंका में रहने वाला रावण अत्यंत अभिमान में था, जिसको इस चीज का गर्व था कि मेरे जैसा न तो कोई शक्तिशाली है, ना ही किसी के पास मेरे जैसा दुर्ग है, ना किसी के पास मेरी जैसी लंका नगरी है, उसका अंतिम समय आ गया हो, इसके सारे प्रमाण मिलने लग गए हैं। क्योंकि जैसे ही प्रभु राम ने प्रस्थान किया है, वैसे ही बड़े ही सुंदर शगुन हो रहे हैं। लक्ष्मण जी जो अंगद के कंधे पे बैठे हुए हैं, वो प्रभु राम से कहते हैं कि जिस प्रकार के ये
बड़े सुंदर सुंदर शकुन हो रहे हैं। इन शकुन के हिसाब से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप बड़ी ही जल्दी शत्रु पे विजय प्राप्त करके और माता सीता को प्राप्त कर पाएंगे। राम लक्ष्मण बातें करते जा रहे हैं, लक्ष्मण राम को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। हमने सीता हरण के बाद बहुत बार इस चीज को देखा है कि राम जब जब दुख के समुद्र में डूब जाते हैं, तब तक लक्ष्मण हमेशा छोटे भाई होकर के भी अपने बड़े भाई को आश्वासन देते हैं। इति भ्रातरम आश्वास्य, यहां महर्षि वाल्मीकि लिख रहे, मेरा शब्द नहीं है। इति भ्रातरम आश्वास्य हृष्टा सौमित्री रब्रवीत, प्रसन्न लक्ष्मण कहते हैं अपने भाई को आश्वासन देते हुए, यथा वृत्य महीम कृष्णाम जगाम महती चलो। अरे प्रभु, जिस प्रकार से पूरी पृथ्वी को जैसे कि ढक दिया हो, इस प्रकार की इतनी विशाल हमारी सेना जा रही है। देवानाम पिशेन्याने संग्रामे तार कामये एव मार्य समीक्षितान प्रीतो भवितुमर्हति। तारकासुर के साथ युद्ध करने के लिए देवताओं की सेना भी इसी प्रकार से सुसज्ज हुई होगी, और जैसे तारकासुर का विनाश हुआ था वैसे अवश्य ही इस रावण का विनाश होगा। एवं आर्य समीक्ष, इस प्रकार का विचार करके, तान प्रीतो भवितुमर्हति, इस बात से आपको अत्यंत प्रसन्न हो जाना चाहिए। लक्ष्मण प्रभु राम को आश्वासन दिया है। पूरी सेना जैसे तीन विभागों में बट गई है, एक वानरों का युद्ध है, एक वृक्षों का युद्ध है और एक लंगूरों का युद्ध है। यानी एक ग्रुप है जिसमें बंदर हैं, एक ग्रुप है जिसमें सारे भालू हैं, और एक ग्रुप ऐसा है जिसमें लंगूर हैं। देखिए वानरों की प्रजातियां अलग अलग हैं। अब तो आप ज्योग्राफी वगैरह चैनल देखते हो, डिस्कवरी वगैरह देखते हो, तो आपको पूरे विश्व के अलग अलग प्रकार के वानर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी बहुत प्रकार के वानरों का उल्लेख किष्किंधा कांड में किया गया था, मैंने वहाँ पे वर्णन भी किया है कि किस प्रदेश के वानर किस प्रकार के हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। विस्तार से तो नहीं किया, संक्षेप में वर्णन किया था। विस्तार से देखना है तो किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण आप देख सकते हैं। ऐसे प्रभु राम की सेना चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच गई है। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि जब समुद्र के किनारे राम की सारी सेना पहुंच गई, अब राम की एक ही चिंता है कि सेना समुद्र के पार कैसे जाए। बेला मासाद्य विपुलाम रामो वचन मब्रवीत, उस स्थिति को देख करके कि भाई विशालकाय सेना समुद्र के उत्तर तट पे विद्यमान है, जहां समुद्र स्वयं उस महेंद्राचल पर्वत की चरणों को जैसे पखार रहा हो, इस प्रकार से बार बार अपने हेले लेकर के आता है, अपनी लहरें लेकर के आता है, उसके पत्थरों से टकरा करके वापस चला जाता है। वहीं किनारे पे सारी विशालकाय सेना को देख करके राम ने सभी सेनापतियों को आज्ञा दे दी है कि भाई आप सब लोग जो हैं अपनी अपनी सेना की सुरक्षा करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ छुपे हुए राक्षस भी हो सकते हैं, तो जो सेनापति हैं, जो सक्षम हैं, उनकी ये जवाबदारी है कि वो आसपास के पूरे क्षेत्र को इस प्रकार से जांच पड़ताल कर लें उसकी, कि कहीं किसी जगह पे कोई छुप करके हमारे ऊपर आक्रमण ना करे। और इसके बाद प्रभु राम कहते हैं, एते वयम अनुप्राप्ता सुग्रीव वरुणालयम, सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव, हम लोग ये समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं, इहे दानीम विचिंत्याया सानह पूर्वम समुद्धिता, आज हमें यहां उस चीज का विचार करना है जो आज तक कभी नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहला पुल अगर किसी ने समुद्र के ऊपर बनाया है, अब चाहे कितने भी ब्रिज बन गए हों, लेकिन सबसे पहला पुल अगर किसी ने समुद्र के ऊपर बनाया था तो वो प्रभु राम थे। इसलिए प्रभु राम यहां कहते हैं कि इहे दानीम विचिंत्या सा यानह पूर्वम समुद्धिता, जो घटना आज से पहले कभी नहीं बनी है, आज हमें उस कार्य का विचार करना है। अतः परम तीरोयम सागरः सरिताम पते, कि किस प्रकार से इस समुद्र को जो कि नदियों के पति हैं, इसको किस प्रकार से पार किया जाए। मंत्रणा के लिए सभी सेनापतियों को बुलाया जाता है। न चायम अनुपायेन शक्यम तरितु मर्णवः, भाई कोई सामान्य उपाय से इस समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है। तदिहैव निवेशोस्तु मंत्रः प्रस्तूयताम्यः, तो सब लोग यहाँ बैठो और अपने अपने उपाय
जो भी आपके उपाय हैं उन उपायों का प्रस्तुतीकरण करो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। इसके साथ पूरी वानर सेना की सुरक्षा हो, इसके लिए प्रभु राम ने आदेश दे दिए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है, सेनाम निवेशय तीरे सागरस्य द्रुमायुते विरराज समीपस्थम सागरस्य च तद्वलम, कि इस प्रकार से प्रभु राम की आज्ञा पाकर के समुद्र के किनारे जो भी वृक्ष वगैरह हैं, जो वहाँ पूरा वन प्रदेश है, वहाँ पे सभी वानर जो हैं वो अपना अपना स्थान ढूंढ करके और अपने अपने हिसाब से स्थित हो गए हैं। प्रभु राम ने जो आज्ञाएं दी हैं उन आज्ञाओं का पालन हो रहा है। अब सभी एकत्रित होकर के मंत्रणा करेंगे। आज संध्या होने को आई है, ऐसे में प्रभु राम को सीता जी की याद आ जाती है और इस प्रसंग का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा चल रही है, सुनते रहिए, आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।